नमस्कार, स्वागत है आपका NBSC न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखा। राजस्थान की राजधानी में हर वर्ष की भांति जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। जिस तरह लोग इस फेस्टिवल से प्रभावित होते हैं और उसकी ओर भागते हैं, एक उसी तरह इस फेस्टिवल का दुष्परिणाम भी बेहद ही खराब है। एक समय था जब पढ़े लिखे लोगों को लोग सुनने के लिए जाया करते थे इस प्रकार के फेस्टिवल्स में। अब वास्तविकता की बात करें तो परिणाम बेहद ही खराब है। जयपुर का युवा जितना लाइमलाइट को देखकर आकर्षित हो जाता है, उतना ही उसकी ओर भागता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसा ही उदाहरण है। सबसे पहले बात करें इस फेस्टिवल के टिकट्स की, तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को लूटने का एक नया धंधा बनाया हुआ है। आज दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है और लोगों को ढंग से लूटता है। अगर आपकी जेब में पैसे है तो जरा टिकट्स के रेट कार्ड पर नजर मार लें। 100 रुपए से लेकर 56,000 रुपए तक के पास मिल रहे हैं टिकट के बदले। टिकट्स को आजकल महंगे लोग पास कहते हैं। हालांकि इसमें कहा जाता है कि खाना पीना बिल्कुल मुफ्त है। या अरे जब 56,000 रुपए देगा आदमी तो घर में 4 से 5 महीने का खाना बनाकर खा लेगा। खैर दुकान बड़ी है साहब तो भुगतान भी बड़ा ही होगा। ऐसे तो ये कहते हैं कि इस फेस्टिवल में एक से बड़ी एक सेलिब्रिटी को इस सेशन के लिए आमंत्रित करते हैं, पर क्या इसके पीछे का रहस्य किसी ने देखा या समझा? एक ही छत के नीचे लेखक, सिंगर, डांसर और पॉलिटिशियंस आदि को बुलाया जाता है इस भोली भाली आम जनता को लुभाने के लिए। हाँ, जब जनता ही बेवकूफ है तो करे भी क्या। बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स कुछ इस तरह तैयार किए जाते हैं, सामने वाला देखकर फेस्टिवल्स का हिस्सा बनने के लिए भागता है, क्योंकि इसमें जगह और सेशंस के नाम सुनकर ही लगेगा पता नहीं क्या नई चीज है और हम कहीं इसको देखने से पीछे ना रह जाए, इसीलिए लोग इसके पीछे भी भागते हैं। अब उन नामों को जरा आपको बताते, चार बाग, फ्रंट लोन, मुगल टेंट, दरबार हॉल सहित कई वेन्यू बना दिए जाते हैं। देश भर से आए युवक युवतियां, पर्यटक इसका हिस्सा तो बनते हैं, साथ ही ये लोग सरेआम बैठकर सिगरेट पीना, शराब आदि का सेवन करते हैं, जिससे कि यहाँ आने वाले यूथ बच्चों और नई पीढ़ी पर इसका विपरीत असर होता है। एक बात तो साफ है, लिटरेट व्यक्ति ही कर जाता है इलिटरेट हरकतें। अब देखते हैं इस बार युवक ज्ञान लेने जाते हैं या कुछ उल्टा सीधा सीख कर अपना समय बर्बाद करते हैं। लाल किले मेरे साथ बस इतना ही, जुड़े रहिए NBSC न्यूज के साथ। नमस्कार।